फाउंडेशन देखो कितना ज़बरदस्त बनाते हैं दोस्तों, और जिस पर अभी मेट्रो चलेगी उसके तो और ही तगड़ा फाउंडेशन बनाया गया था दोस्तों, जो कि आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ में नहीं देखा है तो वो आप सभी पिछले वीडियोज़ में देखो जाके, आप लोगों को फिर पता चलेगा कि कितनी मजबूती के साथ में एक पिलर बनाया जाता है दोस्तों। देखो ये है फाउंडेशन, है कितना मजबूत फाउंडेशन देख सकते हो आप लोग। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब, आइए आप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं दोस्तों गाजियाबाद RRTS का स्टेशन, क्योंकि इस पे अभी एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम चल रहा है इस टाइम पे। तो देख सकते हो ये सामने वाला पिलर है और एक वो लास्ट वाला पिलर है, यहीं से ये रैंप को जोड़ा जाएगा दोस्तों। अब इसमें से दो एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे दोस्तों, एक तो इस साइड में होगा और देखो ये पिलर उठ भी बन भी गए हैं और इस साइड में ही बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट, और दूसरा यही पिलर जाएंगे दोस्तों शहीद स्थल मेट्रो से भी जोड़ने का काम किया जाएगा। तो देखो तीन पिलर तो ये बन के कम्प्लीट हो जाएंगे और इसके ही सामने दोस्तों एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा और ये साइडों से बिल्कुल सीधा सीधा चला जाएगा दोस्तों शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन यानी कि रेड लाइन से जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। RRTS और रेड लाइन को आपस में कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है दोस्तों, उसका जितने भी जो पिलर थे दोस्तों उनका फाउंडेशन बना लिया जा चुका है, कुछ का फाउंडेशन बनाने के लिए बचा हुआ अभी इस टाइम पे। तो देख सकते हो यह सामने वाला एंट्री एग्जिट पॉइंट जिस पर सेटरिंग लगी हुई है दोस्तों, फ्लोर वर्क कम्प्लीट हो चुका है, अब इस पर और काम किया जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर सेटरिंग लगा कर और फिर इसको बनाया जाता है। तो बात साहब अभी तो काफ़ी सारा वक्त लगने वाला है इसमें, अभी जल्दी नहीं बन पाएगा। और ऐसे ही दो स्टेशन उधर बनाए गए हैं वो भी बन के कम्प्लीट हो गए हैं दोस्तों, एक तो बन के कम्प्लीट हो गया, एक अभी बचा हुआ और एक ये है और एक अभी उधर का भी, मतलब दो बन गए हैं दो अभी बचे हुए हैं, और इसमें 5 एंट्री एग्जिट पॉइंट होने वाले हैं दोस्तों गाजियाबाद RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। तो काफ़ी खूबसूरत ये स्टेशन है दोस्तों, और आप लोगों को बता दूं कि ये फर्स्ट पेज इसका इस पिलर का फाउंडेशन पहले ही बन गया था। तो ये देखो सरियाओं का केज ऊपर की साइड निकाल दिया, अब इसमें ये सरिया ऊपर को बढ़ाए जाएंगे, फिर इसके बाद में कंक्रीट भर दिया जाएगा इसमें, तो पिलर बन जाएगा। देखो उधर वो तीन पिलर बन चुके हैं, एक वो बीच का पिलर बन चुका है, वो बीच में देख सकते हो, वो वहीं पर जोड़ दिया जाएगा। तो ये है जो रैंप बनाया जा रहा है दोस्तों RRTS को और रेड लाइन को आपस में कनेक्ट करने के लिए दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से ये आगे को जा रहा है। चलो मैं दिखा देता हूँ आप सभी को, देखो फाउंडेशन सबके ही बन गए हैं, उधर भी फाउंडेशन बन गए हैं लेकिन काम डिले हो रहा है क्योंकि उधर थोड़ा सा पैच बचा हुआ है इस वजह से। और ये स्टेशन है ही दोस्तों, ये देख सकते हो ये गाजियाबाद RRTS का स्टेशन है दोस्तों, जो कि अभी देखो ये भी गेट बंद पड़ा है, एक ही एक दो गेट खोल रखे हैं उधर की साइड में, तो अभी उधर ही चलेंगे फिर आपको आप सभी को दिखाऊंगा। पर कितना ही गहरा है देख सकते हो आप, कितना गहरा थीवर है, बहुत गहरा थीवर है। और बगल में ये देख दो पिलर का फाउंडेशन बनाया गया, पिलर खड़ा किया जाएगा जैसे उधर किए गए थे, सारे के फाउंडेशन बन चुके हैं। स्टेशन देखो ये फाउंडेशन बन गया है, उसका भी बन गया है, उधर देखो वो सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं तो उधर अभी काम नहीं हुआ है, बाकी ये रेड लाइट का स्टेशन चमक रहा है आप सभी को ये देख सकते हो। और इधर सामने देखोगे तो ये है RRTS का स्टेशन, फाउंडेशन देखो कितना ज़बरदस्त बनाते हैं दोस्तों, और जिस पर अभी मेट्रो चलेगी उसके तो और ही तगड़ा फाउंडेशन बनाया गया था दोस्तों, जो कि आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ में नहीं देखा है तो वो आप सभी पिछले वीडियोज़ में देखो जाके, आप लोगों को फिर पता चलेगा कि कितनी मजबूती के साथ में एक पिलर बनाया जाता है दोस्तों। देखो ये है फाउंडेशन, है कितना मजबूत फाउंडेशन देख सकते हो आप लोग। देखो ये सरियाओं का जाल निकाल दिया ऊपर पिलर के लिए, अब इसमें सरिया लगाए जाएंगे, फिर इसके बाद में दोस्तों कंक्रीट भर दिया जाएगा, पिलर बन जाएगा। और सामने देखो ये है रेड लाइन मेट्रो स्टेशन दोस्तों, ये देख सकते हो शहीद स्थल मेट्रो,
ठीक है यार, उधर तो देखो सेफ्टी बोर्ड लगा चुके, तो उसके उधर अभी काम पेंडिंग में चल रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़मीन का लफड़ा हो रहा है, तो इसी वजह से उधर अभी काम नहीं चल रहा है। तो चलते हैं वहीं पर, दिखाते चल के उधर ही आप सभी को तरीके से ये पियर पाइलिंग किया जाता है। ठीक है, चार पिलर हैं ज़मीन के अंदर जो पाइल करके डाले गए हैं दोस्तों, और देखो इतना ऊपर निकला हुआ है। अब इसका ये तोड़ेंगे सारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर, और फिर इसमें से सरिया निकाल लिए जाएंगे इस तरीके से, और फिर इसमें सरियाओं का जाल बिछाया जाएगा दोस्तों, उसके बाद में कंक्रीट भरा जाएगा, तब इसका फाउंडेशन तैयार होगा दोस्तों इस तरीके से। देखो इधर का भी आप लोगों ने देखा, उधर का भी पीछे का देखा, ये मिट्टी इसी की पड़ी हुई है, देखो वो सारे में ही आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और वो रेड लाइन से अब जोड़ा जाएगा। तो उधर भी चलते हैं, ये इस तरीके से देखो फाउंडेशन बनाया जाता है। पियर पाइलिंग किया गया, पहले एक पिलर, दो पिलर, तीन, चार, चार पिलर भाई साहब ज़मीन के अंदर डाले गए हैं, करीबन 120 फीट डालते हैं, जाने 100 फीट डालते हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग देख सकते हो कितना मजबूती के साथ में एक पिलर ज़मीन के ऊपर दोस्तों खड़ा किया जाता है। देखो ये सारा फाउंडेशन है, देख सकते हो आप लोग सही से अच्छी तरीके से, और सामने ये है शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन रेड लाइन। देखो उधर भी फाउंडेशन बना दिया गया, बस उसके पास में ही बचा हुआ है। जब मैंने आप सभी को पिछली बार अपडेट दिया था, तब इसी जगह पियर पाइलिंग वाली मशीन लगी हुई थी दोस्तों, और इसी को ज़मीन के अंदर गड्ढा किया जा रहा था, और फिर ये देखो कंक्रीट का स्ट्रक्चर इसमें डाला गया दोस्तों, और अब इसका ये सारा तोड़ दिया जाएगा और सरिये निकाल लिए जाएंगे। देखो वो सरिये चमक रहे हैं, वो सरिये निकाले जाएंगे वहाँ तक, और फिर इसके बाद में इसको बिल्कुल लेवल में लाकर दोस्तों इसमें पहले कंक्रीट बिछाया जाएगा, फिर उसके बाद में सरियाओं का जाल का केज बनाएंगे, और केज में ही दोस्तों पिलर के सरिये भी उसमें ही केज में ही लगाए जाएंगे, और फिर उसके बाद में कंक्रीट भर दिया जाएगा पूरे में दोस्तों। अब देख लो यहाँ तक कंक्रीट उसमें भरा जाएगा, तो यही है आप लोग देखो, अभी उधर का बचा हुआ है बस पास का, जब वहाँ पर अभी दो पिलर और बनेंगे, और दो पिलर बनने के बाद में दोस्तों रेड लाइन से ये जोड़ दिया जाएगा, तो अभी थोड़ा सा यहाँ काम मंदा चल रहा है। देखो ये है भाई साहब रेड लाइन मेट्रो स्टेशन शहीद स्थल, और वो है सामने RRTS दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाई जा रही है दोस्तों। तो चलते हैं उस साइड में, दिखाते चल के उधर का भी। देखो कुछ ऐसा है, दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया गया दोस्तों, उसका स्टेशन है गाज़ियाबाद में, और ये सारी पार्किंग है। तो ये तो आप सभी को बताऊं कि ऑपरेशनल हो ही चुका है, उधर मैंने एंट्री एग्जिट पॉइंट भी आप लोगों को दिखाए कहाँ बनाए जा रहे हैं, और इधर भी एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं दोस्तों, फुट ओवर ब्रिज जो कि रोडों के पल्ली साइड से पब्लिक को आना जाना करना पड़ेगा। तो देख सकते हो पिछली बार जब मैंने आप सभी को अपडेट दिया था, तब ये पिलर भी बन के तो कम्प्लीट हो गए थे, लेकिन इस पर अभी जो स्टील के आई गटर हैं वो डाले जा रहे थे, और इस पर टीन सेट भी डाल दिया जा चुका है देखो आप लोग, और वो सामने है दोस्तों आगे चरण सिंह पार्क, उसके अंदर एक वो बनाया गया है एंट्री एग्जिट पॉइंट, तो वो भी आप लोग, वो पहले ही आधा बन के कम्प्लीट हो गया, लेकिन अब तो बिल्कुल कम्प्लीट होने ही वाला है दोस्तों, हो भी चुका है वो कम्प्लीट, क्योंकि उसमें अब डेंट पेंट का काम चल रहा था और भी छोटा मोटा काम चल रहा। तो चलते हैं आगे, वहीं आप लोगों को दिखाते चले के। तो कुछ ऐसा ही है, और ये रेड लाइन की है, देखो रेड लाइन जा रही है, फ्लाई ओवर है, तो इतना सारा कुछ है दोस्तों यहाँ पर देखो आप लोग। अब एक एंट्री एग्जिट पॉइंट उधर है, तो उस पर देखो फ्लोर वर्क हो चुका है, अब उधर भी एक पिलर बनाया जाएगा बीच में, और फिर उसको इसी से ही जोड़ा जाएगा देखो, अब चाहे ऊपर की साइड से जोड़ा जाए, नीचे भाई फ्लाई ओवर के नीचे से ही जोड़ा जाएगा। तो देखो वो तो सारा हो गया है, पहले कह रहे थे कि बनेगा नहीं, लेकिन अब बनाया जा रहा है, देख सकते हो अभी बीच में एक पिलर आएगा और फिर उसके बाद में इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी तो नहीं हो रहा, अभी नाला बनने का काम चल रहा है, क्योंकि वो बन रहा जो रोड थी वहाँ की, वो भी बंद कर दी जा चुकी है। और देखो ये है सामने चौधरी चरण सिंह पार्क, तो पार्क तो अब ख़त्म कर दिया, अब यहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है दोस्तों, जो कि कम्प्लीट सा ही हो चुका है, देखो उसकी सारी बना दी हैं सीढ़ियाँ एड़ियाँ सब कुछ एकदम कंप्लीट हो चुका है, टिन सेट भी पड़ चुका है, सारे काम हो गए। तो देखो ये है सामने देख रहे हो, तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और एक है उस साइड में, तो वो भी ऑपरेशनल हो चुका है, खोल दिया जा चुका है, ये अब कुछ दिनों में खोल दिया जाएगा जल्दी, और फिर बचेगा दोस्तों दो, एक पल्ला वाला और एक ये वाला दोस्तों, तो ये दो ही बचेंगे। तो ये है कुछ गाज़ियाबाद RRTS का स्टेशन, देख सकते हो आप लोग,
कुछ ऐसा है। तो चलो चलते हैं। हाँ, तो आप सभी इस तरीके से देख सकते हो कि किस तरीके से ये स्टेशन बनाया गया, और देख सकते हो आप लोग कि पहले जब बनाया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और आप देखो भाई साहब कितना ही अद्भुत देखने में लग रहा है दोस्तों। और आप सभी एक चीज़ और मुझे बताना कि आप लोगों ने, मैं आप सभी के बीच में अपडेट इस स्टेशन की देता आ रहा हूँ पहले के मुताबिक। अब देख सकते हो कि कितना ही खूबसूरत स्टेशन चमकने लगा दोस्तों। और यह है एंट्री एग्जिट पॉइंट, जो कि बन के कम्प्लीट हो चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है दोस्तों। एक ये स्टेशन है और एक उसके पीछे है दोस्तों। तो वो दोनों स्टेशन अब एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुके हैं, अभी दो बचे हुए हैं और एक रैंप बचा हुआ है जो कि रेड लाइन से जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो यही अभी बचा हुआ है दोस्तों वो, और बाकी सारा तो काम कंप्लीट सही हो चुका है। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो काफ़ी दिनों के बाद में आप सभी को ये अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, गाजियाबाद RRTS का स्टेशन दोस्तों, जिस पे की एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।